आपके साथ शेयर करती हूँ एक तरीका जिस जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। तो सबसे पहले हम करेंगे अनियंस फ्राई, इनको फ्राई कर लेंगे और जब ये फ्राई हो जाएंगे तो ये मैंने ग्राइंड करके रखा है जी टमाटर और हरी मिर्चों का पेस्ट। तो ये जी टमाटर और हरी मिर्चों का जो पेस्ट मैंने तैयार कर लिया है, इसी के अंदर हम जो हमारे ऑनियन फ्राई हो गए हैं इनको डाल लेंगे और ग्राइंड कर लेंगे। जी ऑनियन हो गए थे फ्राई, उसको मैंने ग्राइंड कर लिया, टमाटर के साथ इसका पेस्ट बना लिया है और इधर मैंने ले लिया बोनलेस चिकन जो कि हम अभी पहले मैं बोनलेस चिकन इसमें डालूंगी और इसको थोड़ा सा फ्राई कर लूंगी और उसके बाद हम जो है ना टमाटर हरी मिर्चें और लहसुन अदरक का पेस्ट और अनियंस जो हमने इसके साथ ही ऐड कर दिए थे उसको भी डाल दें ऐड कर देंगे उसमें। ये बोनलेस चिकन मैंने पोट में ऐड कर दिया है, जैसे ही इसका कलर थोड़ा सा चेंज होता है तो फिर हम बाकी कौन सा पेस्ट है लहसुन अदरक का, टमाटर हरी मिर्ची और फ्राइड ऑनियंस का पेस्ट इसमें ऐड कर देंगे। और जो मसाले बिरयानी बनाने के लिए मैं चिकन में ऐड करूँगी वो मैंने ले लिया है कुछ ऐसे, दालचीनी, लौंग, काली मिर्चें, हल्दी, ज़ीरा, सूखा धनिया पाउडर और साथ सॉल्ट और ये है ज़ीरा पाउडर और ये मैंने लिया है शान का बिरयानी मसाला। तो मैं इसका पूरा पैकेट ऐड कर रही हूँ, आप जिस तरीके से खाना चाहते हैं लाइक मीडियम स्पाइसी खाना चाहते हैं ज़्यादा स्पाइसी उस लिहाज से आप ऐड कर सकते हैं। और ये है तेज़पत्ता और दरदरा मिर्च, तो ये ऑप्शनल है, अगर तो आप बहुत स्पाइसी बिरयानी पसंद करते हैं तो फिर आप ये ऐड कर लें वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। और जो चीज़ें मेरे पास अभी मिसिंग है वो है जायफल जावित्री और इमली, अगर वो भी आप इसमें ऐड कर दें मसाले में तो ये बहुत अच्छा टेस्ट करती है। ये चिकन अच्छा हो गया, इसमें मैं ऐड करूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट और टमाटर हरी मिर्ची और फ्राइड ऑनियंस का पेस्ट। तो अब इसमें ऐड कर देंगे ये सारे मसाले। इसको चिकन को अच्छे से भून देंगे। तो इधर चावल बॉईल होने के लिए पानी रख दिया और साथ इसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और लौंग डाल देंगे। तो ये हमने योगर्ट ऐड कर देंगे चिकन में। तो राइस इधर बहुत अच्छे से बॉईल हो गए हैं, अब बस इसको ड्रेन करेंगे और उसके बाद बिरयानी का दम लगाएंगे। तो ये सालन अच्छा सा रेडी हो गया, अब हम इसको दम लगाएंगे और दम लगाने के लिए सारी चीज़ें मैंने इधर रेडी कर ली हैं। ये बॉईल राइस और साथ धनिया, टमाटर, लेमन, फ्राइड अनियंस और ये फूड कलर। ये पोट में मैंने डाल दिया है बटर और अब इसके बाद जैसे ही ये थोड़ा सा मेल्ट हो गया उसके बाद हम डाल देंगे बॉयल राइस। तो ये बॉयल राइस की एक लेयर लग गई है, अब इसके बाद हम सालन पीस के ऊपर एक लेयर लगा देंगे। इसी तरह हमने दो लेयर लगा दी है राइस की।